सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 29 साल से करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यनारायण गोयल। भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम MD और CEO सत्यनारायण गोयल बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिम्मत प्लस पर QR कोड योजना किसने शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल बेजल। हिम्मत प्लस पर QR कोड योजना अनिल बेजल ने शुरू की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हिम्मत प्लस QR कोड को स्कैन करने वितरण प्राप्त कर महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। लगभग 3000 ऑटो रिक्शा QR कोड से जुड़े हैं। इस ऐप का इस्तेमाल कैब या ऑटो रिक्शा में सवारी करने वाले लोग, खासकर महिलाएं, चालक की पहचान का सत्यापन करने के लिए कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर ऐप के माध्यम से पुलिस को सूचित भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारिके लुकास रीजनेवेल्ड। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका मारिके लुकास रीजनेवेल्ड बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप टोक्यो में लॉन्च किया गया है। टोक्यो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है। MSME इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडियन बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई इंडिया में स्थित है। इसके MD एंड CEO हैं MS पद्माजा चुंदुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहनी गई गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.55 करोड़। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहनी गई गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी 2.55 करोड़ रुपए में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तराखंड भारत में स्थित एक राज्य है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून, इसके गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र से रावत है। विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद के बारे में जानकारी देख लीजिए। हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष संजीव सिंह नियुक्त हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही पुस्तकाध्यक्ष दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त को बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। 15 अगस्त को ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को पांडेचेरी विलय दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 24 अगस्त को कोलकाता के जन्मदिन का दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती मनाई जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड्स।